हेलो एवरीवन, रेनीज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ ऑल टाइम सबकी फेवरेट दाल मखनी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। हम चाहे किसी रेस्टोरेंट में जाएं या सड़क के किनारे वाले ढाबे पर जाएं, सबसे पहले हम दाल मखनी ही ऑर्डर करते हैं। यकीन मानिए, जो रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप रेस्टोरेंट और ढाबे की दाल मखनी बिल्कुल भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी बनेगी आपकी दाल मखनी। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दाल मखनी बनाने के लिए मैं यहाँ ले रही हूँ 1 कप उड़द दाल, 1/3 कप राजमा और 1 टेबलस्पून चना दाल। दालें भिगोने के लिए मैंने 3 कप पानी का इस्तेमाल किया है। भिगोने के बाद इसे कवर करके ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रखेंगे। गर्मियों में आप इसे भिगो कर फ्रिज में रखें, सर्दियों में आप बाहर ही रख सकते हैं। अगले दिन दाल को बनाने से 3-4 घंटे पहले आप फ्रिज से निकाल लें। दालों को अच्छी तरह वॉश करके फिर इसे कुकर में डालेंगे। साथ ही थोड़ी सी अजवाइन, धनिया पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और हींग डालेंगे। मसालों में मैं इसमें डाल रही हूँ 2 लौंग, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 1 तेज़पत्ता और बड़ी इलायची। साथ ही डाल रही हूँ थोड़ा सा मक्खन, सरसों का तेल और कसूरी मेथी। तो चलिए दाल बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन कर लेंगे और उसमें धुली हुई दाल और पानी डालेंगे। कुकर में दाल और पानी डालने के बाद मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। साथ ही अच्छी खुशबू के लिए कुछ खड़े मसाले डाल दिए, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी, अदरक लहसुन हरी मिर्च को कुंडी छोटे में थोड़ा मोटा मोटा पीस कर वो भी इसमें डाल दिया। दाल को थोड़ा सिल्की बनाने के लिए मैंने इसमें बटर डाल दिया। प्यारी सी खुशबू के लिए थोड़ा सरसों का तेल डाल दिया। दाल को बॉयल करने वक्त मैं कम पानी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं इसमें 5 गिलास पानी डाल रही हूँ, क्योंकि हमें दाल को काफ़ी देर सिम पर पकाना है। दाल को आप जितना लो फ्लेम पर पकाओगे उतनी ही ज़्यादा दाल स्वाद बनेगी। सारी चीज़ों को एक बार अच्छी तरह मिक्स करके कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे। 2 विसल हाई फ्लेम पर आने के बाद मैंने फ्लेम लो कर दी और 1 घंटे तक इसे लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दी। दाल को रखे हुए 1 घंटा हो गया है, उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी और प्रेशर रिलीज होने का वेट किया। प्रेशर रिलीज होने के बाद दाल को खोलकर चेक कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया कलर आया है और दाल हमारी बिल्कुल गल चुकी है। फ्लेम मैंने मीडियम हाई कर दी है और लकड़ी की घोटनी से मैं इसे अच्छी तरह घोटूंगी ताकि राजमा और दाल इसमें दिखने काफ़ी कम हो जाएं। दाल को मैंने अच्छी तरह घोट लिया है। अगर दाल नीचे लगने लगे तो आप फ्लेम थोड़ी कम कर दें। इसके बाद मैंने फ्लेम लो कर दी है और इसे थोड़ा सा कवर करके 20 से 30 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दिया है। दाल को पकते हुए 25 मिनट हो चुके हैं। दाल अब चेक करेंगे। दाल का बहुत ही प्यारा कलर और बहुत बढ़िया टेक्स्चर आया है। अब मैं इसमें मक्खन और दूध डालने वाली हूँ। अगर आपने रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा बढ़िया दाल मखनी बनानी है तो मक्खन डालने वक्त आप बिल्कुल भी संकोच मत करिए, थोड़ा ज़्यादा ही मक्खन इसमें डालिए। मक्खन डालने से इसका टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ ही दाल मखनी बहुत सिल्की बनेगी। मक्खन डालने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, फिर साथ ही थोड़ा गर्म दूध डाल देंगे। दूध और मक्खन डालने के बाद इसे फिर से थोड़ा सा कवर करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे। जब तक दाल पक रही है मैं तड़के के लिए टमाटो पेस्ट तैयार कर लेती हूँ। टमाटो पेस्ट बनाने के लिए मैंने 3 टमाटर लिए हैं, 2 बड़े क्लोव्स गार्लिक के लिए हैं, थोड़ा सा अदरक और करियंडर लीव, साथ में हरी मिर्च। इन सभी को मैं मिक्सी में डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी। मिक्सर जार में सारी चीज़ें इकट्ठी डाल देंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। पानी हम इसमें बिल्कुल नहीं डालेंगे। टमाटर का पेस्ट बना के मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। मखनी के तड़के के लिए जो मैंने मसाले लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। गार्लिक पेस्ट, हल्दी, जीरा, चाट मसाला, गरम मसाला, हींग, शुगर, देगी मिर्च, कोरिएंडर पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर, दाल मखनी मसाला और ऑयल। को मैंने थोड़ा गर्म करके इसमें 4 बड़े चम्मच देसी घी डाल दिए। स्पेशल दाल मखनी बनाने के लिए आप इसे देसी घी का तड़का ही लगाएं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। देसी घी थोड़ा गर्म होने पर मैंने इसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दी। लो फ्लेम पर जीरे को थोड़ा पकने देंगे। जीरा थोड़ा पक गया है और इसने चिटकना शुरू कर दिया है।
अब मैं इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देती हूँ। जो गार्लिक पेस्ट को एक मिनट तक लो फ्लेम पर पका लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। लो फ्लेम पर एक मिनट तक जिंजर गार्लिक पेस्ट पकाने के बाद अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मैंने सारे मसाले इसमें डाल दिए। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और लो फ्लेम पर मसालों को 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। मैंने मसाले पहले इसलिए डाले ताकि तड़के में बहुत अच्छा कलर आ जाए, मसाले हमारे नीचे ना लगे, इसलिए मैंने उसमें 1 चम्मच पानी भी डाला है। मसाले मैंने 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पका लिए हैं। अब हमने जो टमाटो पेस्ट तैयार किया है वो इसमें डाल देते हैं, साथ ही थोड़ा सा नमक डाल दिया। टमाटो पेस्ट डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसे 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर पकाएंगे। कवर करके 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पर पकाएंगे ताकि इससे ऑयल सेपरेट हो जाए। पेस्ट पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। अब इसका ढक्कन हटाकर इसे चेक कर लेते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, टमाटर से ऑयल सेपरेट हो चुका है। इट मीन्स हमारा मसाला तैयार हो चुका है। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। 10 मिनट और पकाने के बाद आप देखिए, बटर डालने से हमारी दाल थोड़ी थिक हो गई है, परफेक्ट टेक्सचर आया है। दाल और पानी बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसमें तैयार किया हुआ तड़का डाल देती हूँ। तड़का डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। दाल को फिर से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे और पका लेंगे। 10-15 मिनट और पकाने के बाद इसे फिर से अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। क्रीम डालकर इसे 2-3 मिनट के लिए और पका लेंगे। उसके बाद इसमें धनिया पत्ते और गरम मसाला डालकर मिक्स करेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। अल्टीमेट दाल मखनी बनकर तैयार हुई है। मानिए, सुपर टेस्टी दाल मखनी बनकर तैयार हुई है। मैं दाल मखनी को आज बटर नान के साथ एंजॉय करने वाली हूँ। आप इसको चाहे लच्छा परांठा, तंदूरी रोटी, इवन राइस के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। सभी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं आपकी दाल मखनी कैसी बनी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए।